हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस आज हम लोग 5000 थाउजेंड एम सी सीरीज की नेक्स्ट क्लास कर रहे हैं शुरू करते हैं हमारा टॉपिक फर्स्ट क्वेश्चन है हु सेड शुड हेल्प अस आइदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट ये स्टेटमेंट किसने कही है कि एक बुक या तो हमें यह सिखाती है कि लाइफ को कैसे इन्जॉय करना है या फिर एक बुक हमें यह सिखाती है कि लाइफ की जो डिफिकल्टीज हैं उनको कैसे फेस करना है ऑप्शन देखिए कि यह स्टेटमेंट किसने कही है बॉसवेल पोप डॉक्टर जॉनसन या फिर एडिसन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ये स्टेटमेंट डॉक्टर सैमुअल जॉनसन की है ही सेड अ बुक शुड हेल्प अस आइदर टू एंजॉय लाइफ और टू एंड्योर इट नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वर्क ऑफ द एटीन सेंचुरी begins with the रेन ऑफ Trajan इन AD ९८ and एंड एंड the fall फॉल ऑफ Byzantine बाइजेंटाइन एम्पायर इन फोरटीन आपको बताना है कि एटीन सेंचुरी का ऐसा कौन सा वर्क है जो वर्क शुरुआत में तो क्या दिखाता है रूलिंग पीरियड ऑफ ट्रेजन एंड उसी वर्क का जो फिनिशिंग पार्ट है उसमें आपको एक एम्पायर का डिक्लाइन देखने को मिलेगा दैट एम्पायर इज बाइजेंटाइन एम्पायर ठीक है तो स्टोरी कैसे शुरू होती है विद द रूलिंग पीरियड ऑफ ट्रेजन एंड स्टोरी कैसे खत्म होती है विद द फॉल ऑफ एन एम्पायर नेम्ड बाइजेंटाइन तो आपको बताना है कि ये जो स्टोरी है ये किस बुक की है और उसके राइटर कौन है ऑप्शन देखिए एडवर्ड गिबन्स ए हिस्ट्री जॉन लॉक्स एस कंसर्निंग ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग एडमंड ब्रक्स अ विंडिकेशन ऑफ नेचुरल सोसाइटी एडवर्ड गिबन्स द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ एम्पायर एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट ये जो स्टोरी है ना ये एडवर्ड गिबन ने लिखी है अपने किस बुक में किस वर्क में द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ रोमन एम्पायर जिसमें इन्होंने रोमन एम्पायर का राइज एंड रोमन एम्पायर का फॉल दिखाया है एंड प्रॉपर रोमन एम्पायर को इन्होंने कवर किया है विद फुल हिस्ट्री एंड ये वर्क इन्होंने कंप्लीट किया विद इन सिक्स वॉल्यूम्स नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग कैन बी कॉल्ड द फर्स्ट पॉइंट ऑफ रोमांटिक रिवाइवल रोमांटिक रिवाइवल का मतलब क्या है कि रोमेंटिसिज की शुरुआत हमें किस पॉइंट से देखने को मिलती है ऑप्शन आर जोन ग्रे थॉम्सन पोप वर्ड्सवर्थ ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट थॉम्सन थॉम्सन को फर्स्ट पॉइंट ऑफ रोमेंटिक रिवाइवल कहा जाता है क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि एग्जामिनर आपसे ये पूछ सकता है कि थॉमसन का ऐसा कौन सा वर्क है जिस वर्क को हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से हमें रोमांटिसिज्म की शुरुआत देखने को मिलती है या रोमांटिसिज्म का जिस्ट देखने को मिलता है उस वर्क का नाम है सीजन्स ये वर्क किसका है थॉमसन का ये वर्क है एक चीज़ और मैं बता दूं थॉम्सन से पहले के जो राइटर्स थे वो ऑगस्टन एज के राइटर्स थे एंड थॉमसन थॉम्सन के बाद के जो राइटर थे वो रोमांटिसिज्म के राइटर थे तो थॉम्सन जो है वो एक ट्रांजिशन पोइट थे और इनकी पोइट्री से हमें पता चलता है कि समवेयर अब क्लासिसिज्म खत्म हो चुका है और एक रोमांटिक रिवाइवल हमें देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मार्क द रोमांटिक रिवाइवल आपको बताना है कि इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें हमें रोमांटिक रिवाइवल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं देखने को मिलता ऑप्शन आर रिवोल्ट अगेंस्ट बॉन्डेज ऑफ रूल एंड कस्टम रिटर्न टू इंटेलेक्ट, फिलासफी एंड क्लासिकल आइडियाज रिन्यूड इंटरेस्ट इन मिड्यूल आइडियल्स या फिर इंटेंस ह्यूमन सिंपथी ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट क्योंकि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये द ऑगस्टन एज की है मतलब जो ऑगस्टन एज के राइटर्स थे ये कैरेक्टरिस्टिक उनको शो करता है ठीक है तो ये इसीलिए रोमांटिक रिवाइवल का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एंड बी ऑप्शन वुड बी करेक्ट नेक्स्ट है हु रोट द फॉलोइंग बुक्स अब यहाँ पर बुक्स के नाम दिए गए हैं शी स्टूप्स टू कनकर वीकर ऑफ द वेकफील्ड द डेजर्टेड विलेज एंड द ट्रेवलर आपको बताना है कि ये वर्क किसके हैं ऑप्शन आर ओलिवर गोल्ड स्मिथ जेम्स बॉसवेल डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या फिर विलियम काउपर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट विलियम सॉरी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ओलिवर गोल्ड स्मिथ के ये वर्क हैं शी स्टोप्स टू कंकर विकर ऑफ द वेकफील्ड, द डेजर्टेड विलेज एंड द ट्रेवलर नेक्स्ट है वेयर डू वी मीट दिस कैरेक्टर नेम्ड क्रोकर और ये जो कैरेक्टर है ये काफ़ी कॉमेडियन टाइप का कैरेक्टर है एक लाफेबल कैरेक्टर है ऑप्शन देखिए कि ये किस वर्क में इस कैरेक्टर को पोर्ट्रे किया गया है ऑप्शंस आर द विकर ऑफ द वेकफील्ड द सिटीजन ऑफ द वर्ल्ड द गुड नेचर्ड मैन या फिर शी स्टूप्स टू कानकर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट द गुड नेचरड मैन और ये वर्क किसका है ओलिवर गोल्ड स्मिथ का ये वर्क है जिसमें इन्होंने किसको पोर्ट्रे किया है एक लाफेबल कैरेक्टर नेम्ड क्रोकर इन्हें पोर्ट्रे किया है वन कास्ट अवे अटर्स आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे आइडेंटिफाई द पॉइट एंड द पोम आपको बताना है कि ये जो कोट है आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे ये कोट किसने कही है किस पोम में कही है एंड पोइट कौन थे ऑप्शन देखिए गोल्ड स्मिथ का वर्क है द डिजर्टेड विलेज या फिर विलियम कॉपर के वर्क में ये बातें कही गई हैं अलेक्जेंडर सेल्कर्क एक पोअम लिखी इन्होंने या फिर थॉमस ग्रे का जो वर्क है ऑन ओड ऑन एटन या फिर जोनाथन स्विफ्ट का जो वर्क है गुल्लीवर्स ट्रैवल ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट विलियम काउपर ने एक पोम लिखी थी इस पोम का पूरा नाम है द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेलकर्क जिसमें अलेक्जेंडर सेलकर्क ये कोट कहते हैं क्योंकि ये हर चीज़ पर अपना राइट दिखाते हैं दिस इज माइन दिस इज माइन दिस इज माइन तो इसीलिए ये कहते हैं कि आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल आई सर्वे तो ये जो पोम है ये किसने लिखी विलियम काउपर ने लिखी थी नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ सच चार्मिंग पेसेज यहाँ पर वर्क दिए गए हैं और आपको बताना है कि ये सारे ही वर्क किसके हैं जॉन गिलपिन अलेक्जेंडर सेल्कर्क टेबल टोक ऑप्शन आर थॉमस ग्रे थॉमसन, ओलिवर गोल्ड या फिर विलियम काउपर विलियम काउपर का ये वर्क है जॉन गिलपिन अलेक्जेंडर सेल्कर्क एंड टेबल टोक नेक्स्ट है हु रोट दीज लाइन्स लाइन्स क्या है पाइपिंग डाउन द वैलीज वाइल्ड पाइपिंग सॉन्ग ऑफ प्लेजेंट ग्ली ओन अ क्लाउड आई सो अ चाइल्ड एंड ही लाफिंग सेट टू मी ये जो लाइन्स हैं ये किस वर्क में कही गई हैं और वो वर्क किस राइटर का है ऑप्शन देखिए विलियम काउपर थॉमस ग्रे विलियम ब्लेक या फिर जॉर्ज क्रैब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विलियम ब्लेक विलियम ब्लेक का एक वर्क है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस जिसमें इन्होंने चाइल्ड की इनोसेंस ही दिखाई है तो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में ये लाइन कही गई है ये पोम फाइव स्टेंजाज की है और इसमें जो पॉइंट होता है वो एक पाइपर होता है पाइपर का मतलब क्या होता है जो शहनाई बजाने वाले होते हैं ना उन्हें पाइपर कहा जाता है तो जो पाइपर होता है वो एक विजन देखता है और विजन में क्या देखता है कि जो बादल है वहां पर एक बच्चा खड़ा है और वो बच्चा इस पाइपर को बोल रहा है मतलब शहनाई बजाने वाले को बोल रहा है कि गाना गाकर कर तो पाइपर वो गाना गाकर सुना देता है फिर वो बच्चा कहता है कि अच्छा इस सॉन्ग को इस गाने को अब आप लिख कर दिखाओ तब वो जो पाइपर है उस गाने को लिख डालता है फॉर द कमिंग जनरेशन सो इस तरीके का ये वर्क है नेक्स्ट क्वेश्चन है हु ऑफ़ द फॉलोइंग रॉट इन स्कॉटिश डायलैक्ट कि ये जो ऑप्शनस दिए गए हैं इनमें से कौन से ऐसे ऑथर हैं जो स्कॉटिश डायलैक्ट में लिखा करते थे विलियम ब्लेक, रॉबर्ट बंस विलियम काउपर या फिर जेम्स थॉमसन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट रॉबर्ट बंस ये स्कॉटलैंड से बिलोंग करते थे और इनकी जो डायलैक्ट थी वो स्कॉटिश ही थी वैसे तो इन्होंने इंग्लिश में भी लिखा है लेकिन ज़्यादातर इनके जो वर्क हैं वो स्कॉटिश डायलेक्ट में ही हैं नेक्स्ट है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस ये पोम किसकी हैं एक्चुअली में इनमें ना पोम्स का कलेक्शन है जैसे कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में 19 पोम्स का कलेक्शन है एंड सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में लगभग 26 सिक्स पोम्स का कलेक्शन है तो आपको बताना है कि ये वर्क किसके हैं विलियम काउपर विलियम कॉलिन्स विलियम ब्लेक या फिर थॉमस पर्सी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट विलियम ब्लेक नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन वोज यहां पर ब्लेक आएगा वेन वोज विलियम ब्लेक्स पोइटिकल स्केचेज पब्लिश्ड 1783, 1780 या फिर 1804 या फिर 1770. विलियम ब्लेक का जो ये वर्क है पोइटिकल स्केचेस ये पब्लिश हुआ था 1783 में नेक्स्ट है हु इज़ द ऑथर ऑफ रॉड्रिक रैंडम पेरेग्रीन पिकल हम्फरे क्लिंकर आई थिंक ये जो दोनों वर्क हैं रॉड्रिक रैंडम एंड पैरेग्रीन पिकल ये दोबारा से रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन ओके okay, आपको बताना कि इसके ऑथर कौन हैं ऑप्शंस आर टोबायस स्मॉलेट लॉरेंस टर्न रिचार्डसन या फिर हैंनरी फिल्डिंग टोबायस स्मॉलेट इसका करेक्ट आंसर है और शायद ये क्वेश्चन दो तीन बार रिपीट हो चुका है पहले इस बुक में तो अभी तक तो आपको ये क्वेश्चन याद हो गया होगा ये तीनों ही वर्क किसके हैं टोबायस स्मॉलेट के वर्क हैं आज के लिए इतना ही बहुत है इसी के साथ साथ मैं आपको एक चीज इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि ब्रिटिश लिटरेचर इसी के साथ साथ मैं कंप्लीट करी हूं अगर आपने वो नहीं देखिया वीडियोज तो वो भी जरूर देख लेना दिस प्रियंका गोर आई विश यू ऑल द बेस्ट कीप लर्निंग एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो